संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा भर्ती 2019 के लिए अंतिम वर्ष के उम्मीदवारों की यूपीएससी रिजर्व लिस्ट जारी कर दी है। 4 जनवरी को जारी की गई सूची में कुल 89 उम्मीदवार शामिल हैं, जिनमें एक नाम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की छोटी बेटी अंजलि बिरला का भी है। अंजलि का इस सूची में 67वां नंबर है। बता दें कि ओम बिरला की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी आकांक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जबकि छोटी बेटी अंजलि का सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ है। ये अंजलि का पहला प्रयास था। अंजलि की इस कामयाबी से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। अंजलि ने बताया कि दूसरी लिस्ट में उनका चयन किया गया, ये उनके लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा को पास करने के लिए वो प्रतिदिन 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई करती थी। परीक्षा के लिए उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस विषय चुने थे। उन्होंने बताया कि उनके पिता उनके सबसे बड़े आदर्श हैं, क्योंकि वो 12 घंटे पढ़ती थी जबकि उनके पिता 18-18 घंटे तक काम करते थे। उनसे उन्हें काफ़ी प्रेरणा मिली। इसके अलावा उनके पिता ने ही उन्हें आईएएस बनने के लिए प्रेरित किया। पहले ही प्रयास में सफलता मिलने का श्रेय अंजलि ने अपनी बड़ी बहन आकांक्षा को भी दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बड़ी बहन ने ही उन्हें पढ़ाया और हर समय मोटिवेट किया। इसके अलावा परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक की रणनीति बनाने में पूरा योगदान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी माँ ने भी उनका काफ़ी ख्याल रखा और हमेशा हौसला बढ़ाया। बता दें कि अंजलि ने 10वीं कक्षा की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की थी, मगर इसके बाद 11th में उन्होंने साइंस की बजाय आर्ट्स विषय को चुना। अंजलि ने कोटा के सोफिया स्कूल से आर्ट्स में 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद दिल्ली के रामजस कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने आईएएस अधिकारी बनने के बारे में सोचा। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एक साल दिल्ली में रहकर ही यूपीएससी की तैयारी की। अंजलि ने कहा कि कोटा में अभिभावक आम तौर पर बच्चों को बायोलॉजी या मैथ्स लेने के लिए ही प्रेरित करते हैं, जबकि इन दोनों विषय के इतर भी बहुत बड़ी दुनिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वायर। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।